तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले शापिरो रिएक्शंस और बामफोर्ड स्टीवन रिएक्शंस में आखिर डिफरेंस क्या है। दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, और दोनों में प्रोडक्ट भी अल्कीन मिलती है। तो सर, ये रिएक्शंस को कैसे समझे, कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोनों रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और दूसरा हम देखेंगे ट्रिक्स कि सर ट्रिक के साथ में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा टाइम बच जाए, और थर्ड हम सारे पीवाई के सॉल्व करेंगे, चाहे नेट के हो या फिर आपके गेट के, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, तो शापिरो रिएक्शन वर्सेस बामफोर्ड स्टीवन रिएक्शन, वन बाय वन हम सारे पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आपको बस नोट्स बनाना है, ठीक है। ये देखो, पहला पॉइंट आता है कि दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल आखिर होता क्या है। तो दोनों में अगर स्टार्टिंग मटेरियल देखे तो यहाँ पर भी टॉसिल हाइड्राजोन्स होता है विद इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पर भी टॉसिल हाइड्राजोन्स होता है विद बेस, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल बिल्कुल दोनों में सेम होता है, इससे हम नहीं पहचान सकते। अब दूसरा पॉइंट आता है, देखना यहाँ पर शापिरो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको देखने मिलता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। लेकिन अगर हम बामफोर्ड स्टीवन की तरफ आते हैं तो सर यहाँ पर हमें वीक बेस देखने मिलता है। सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आखिर पहचाने कैसे है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी एग्जांपल अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपको यन ब्यूटिल लिथियम दिया जाएगा और साथ में एलडीए लिखकर दिया जाएगा, और यहाँ पर एरो के ऊपर आपको लिखकर दिया जाता है टू इक्विवेलेंट ऐसे मेंशन करके आपको दिया जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए, यन ब्यूटिल लिथियम और एलडीए। सर, ये वीक बेस कौन हो गए, तो भाई यहाँ पर एलडीए और यन ब्यूटिल लिथियम छोड़ के जितने भी आपके बेस है भाई, जैसे जनरली आपके Na2CO3, उसके बाद में आ जाता है सोडियम इथॉक्साइड, उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम अल्डोल रिएक्शन पे पढ़ते हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। नहीं भैया, यहाँ पर कंपेरिजन देखो, कंपेरिजन किसके साथ में कराया जा रहा है कि ये वीक बेस है, किसके कंपेरिजन में, एलडीए और यन ब्यूटिल लिथियम के कंपेरिजन में ये वीक बेस, ठीक है। आपको कंपेयर करना है, अगर हम दो चीज में कंपेयर करते हैं तो हम इजीली बता पाते हैं कि भाई ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। सेम ऐसे ही अगर एलडीए के साथ में कंपेयर करोगे तो ये तो वीक ही बन जाएगा। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शापिरो रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो वहां पर आपको कार्बोनायन इंटरमीडिएट देखने मिलता है, और बामफोर्ड स्टीवन रिएक्शंस में अगर बात करें तो कार्बिन इंटरमीडिएट देखने मिलता है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में जरूर काम आएगा, तो शापिरो रिएक्शंस में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होती है, और अगर बामफोर्ड स्टीवन में बात करें तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होती है। ये जो पांच पॉइंट है यह आपको बहुत काम आएंगे। सबसे पहले, दोनों में तो यहाँ पर सब्सट्रेट बिल्कुल सेम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर शापिरो में स्ट्रॉन्ग बेस और बामफोर्ड स्टीवन से वीक बेस। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, सर हम शापिरो में हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यन ब्यूटिल लिथियम और एलडीए, और साथ में टू इक्विवेलेंट ऐसे मेंशंस करके दिया जाएगा क्योंकि वहां पर दो इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बामफोर्ड स्टीवन्स में सर यहाँ पर NaOH, Na2CO3, NaOH जो एलडीए है ब्यूटिल लिथियम के कंपैरिजन में वीक है, ऐसे बेस यूज किए जाएंगे। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो यहाँ पर शापिरो में कार्बन एन इंटरमीडिएट बनता है सर, और बामफोर्ड स्टीवन में कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला, अल्कीन शापिरो में लेस सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म होती है और बामफोर्ड स्टीवन में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है। क्लियर सभी लोगों को? क्लियर। चलो, अब बात करते हैं भाई, यहाँ पर वन बाय वन हम दोनों के मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शापिरो रिएक्शन। यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, टॉसिल हाइड्राजोन। ये देखो, ये ऐसे आपको टॉसिल हाइड्राजोन दिया जाएगा, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई जाती है अभी हमने देखा सर, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू इक्विवेलेंट ऑफ यन ब्यूटिल लिथियम। अब दो बेस है, इसका मतलब दो एसिडिक प्रोटॉन निकलेंगे। दो एसिडिक प्रोटॉन कौन से है, देखना यहाँ पर। सबसे पहले सर ये वाला प्रोटॉन निकलेगा, यह एसिडिक प्रोटॉन सर, ये तो पहला निकाल रहा है। दूसरा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है भाई, ये वाला। तो दूसरा एसिडिक प्रोटॉन ये वाला निकालो, तो एसिडिक प्रोटॉन है, दोनों एसिडिक प्रोटॉन को निकाल दो।
आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से दो अनायक, ये लीजिए, ये दो अनायन बन गए जी। अब जो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है वो आपको रेजोनेंस में नजर आ रहा है, वो निगेटिव चार्ज को आपको क्या करना है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज करना है और टीएस को बाहर निकालना है। कैसे सर? ये देखो, ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आएगा, ये डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो और यहाँ से टॉसिल ग्रुप को लीव कर दो, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा अल्की। देखो एक एक स्टेप को आपको बहुत ही आसानी से करना है। ये देखो क्या आपका मिथिल, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये यन नाइट्रोजन के ऊपर, और आप लोगों को नजर आ रहा है सर हम यहाँ पर जो अल्कीन बना रहे हैं सर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, यहाँ पर क्यों शापिरो में सर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है, इसका रीजन क्या है सर? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं बन पाती, ठीक है, याद रखना है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल फॉर्म, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल फॉर्म, ठीक है। बाद में यहाँ पर क्या होता है कि ये N2 लॉस हो जाता है, गैस रिलीज हो रहा है, ये रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है और यहां पर बन जाता है कार्बन आयन, ये लीजिए। अब यहां पर देखो वाटर कंडीशन होगी तो सिंपल सा एच प्लस ले लेगा, लेकिन आपको चेक करना है क्या यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल है भैया, न्यूक्लियोफाइल तुरंत इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, आपको सीओ टू दिया जा सकता है, डीएमएफ हो सकता है, कोई अल्किल हैलाइड हो सकता है, अगर सिंपल वाटर है तो एच प्लस देगा, जैसे यहां पर हम ले ले रहे हैं वाटर, ठीक है, यहां से ये H प्लस आप सा करेगा और ये बन जाएंगी जी आपकी अल्की, ठीक है। ये हमारी मैकेनिज्म की बात थी, अब हम बात करते हैं ट्रिक से, सर ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ट्रिक क्या है, आपको स्टार्टिंग में क्या दिया गया था, ये कुछ इस तरह से टॉसिल हाइड्रोजन था सर, और इसकी रिएक्शन कराई गई थी टू इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूटिल लिथियम। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इमाइन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं ना इमाइन फंक्शनल ग्रुप, इसका अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा कार्बन तो दो है सर यहाँ पर, लेकिन हम सब जानते हैं सर शापिरो में लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अल्फा कार्बन और इमाइन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना है, बाकी सारे ग्रुप को हटा दो, आपको जो इमाइन कार्बन और जो हाइड्रोजन से अल्फा कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला उसके बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। ये देखिए जी ये बन गया जी आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, आपको निगेटिव चार्ज बनाना है, लास्ट में इमाइन को हटाकर पूरे फंक्शनल ग्रुप को हटाकर यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनाना है। अब देखना है आगे, अगर वाटर है तो एच लगेगा, अगर वाटर नहीं है कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो उसकी जगह पर फिर वो लगेगा, जैसे यहाँ पर अगर वाटर है एच को लगा दो, ये देखो ये कुछ इस तरह, अगर यहाँ पर CO2 है ये क्या करेगा भाई एसिड बना देगा, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को टिप्स और आपके जो ट्रिक्स है ये अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बम्प और स्टीवन रिएक्शंस की, यहाँ पर भी स्टार्टिंग मटेरियल सेल बिल्कुल सेम होता है, इसे भी लिख देता हूं मैं, ये देखो ये रहा बम्प और स्टीवन रिएक्शन, ये टॉसिल हाइड्रोजन और यहाँ पर ये रहा कुछ क्लास। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो बेस होता है सर ये वीक बेस यूज होते हैं, अब वीक बेस जनरली जो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं ये NaOH होता है, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड जनरली आपको देखने मिलते हैं। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक प्रोटोन को पिक करेगा, ये ले, अब यहाँ पर टू इक्विवेलेंट मेंशन नहीं है तो सिर्फ एक ही निकालेगा, ठीक है, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकाल लीजिए, ये लीजिए ये कुछ ऐसा बन गया जी, ये कुछ ऐसे बन गया, ये कुछ ऐसे बन गया। अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ना इसे कॉन्जुगेशन में लेकर आओ, इसे क्या करो जो नाइट्रोजन की तरफ डबल बॉन्ड है उसे लेकर आओ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, ये लीजिए ये बन गया जी। अब यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज Cn और यहाँ पर, अब मैंने बताया था कि आपको चेक करना है क्या यहाँ से कोई गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा, क्या यहाँ से हम N2 को लॉस करा सकते हैं, जी हाँ सर, कैसे, सबसे पहले तो N2 बनाना है,
नाइट्रोजेंस के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, इसे पुश करेगा टॉसिल बाहर, ठीक है, ये बन जाएगा जी आपका यन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और साथ में यन टू। ये देखिए नाइट्रोजेंस के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यन टू आपका सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यन टू है, ठीक है, और यहाँ से ड्राइविंग फोर्स भी है रिएक्शन का, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहा है, तो यन टू को क्या करना है आपको लॉस करना है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ऑलरेडी। अगर यन टू दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा तो सर यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, सर यहाँ पर कार्बिन इंटरमीडिएट बनेगा, ये देखिए यहाँ पर बन गया जी कार्बिन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब आगे क्या करना है सर, तो यहाँ पर आगे सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन होता है, कैसे ये देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन इसके तरफ क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है कुछ इस तरह से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब सर क्या मैकेनिज्म याद रखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपको जितना टाइम सेव करना है उतना आप कर लीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है आप दूसरे क्वेश्चन पे दे सकते हो। देखो अब बात करते हैं मैकेनिज्म देख लिया, अब ट्रिक की बात करते हैं, फिर से मैं स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है जी आपका, और यहाँ पर बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन यहाँ पर ये नहीं हुई थी, फिर से वही ट्रिक्स, जो इमाइन कार्बन है, इमाइन कार्बन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और उसका अल्फा कार्बन कौन सा है, फिर से यहाँ पर सर दो अल्फा कार्बन, लेकिन ये रिएक्शन कौन सी है, बम्प और स्टीवन है, ये आपने बेसिक कंडीशन से पहचान लिया, बेसिक कंडीशन आपने पहचान लिया। अब ये बम्प और स्टीवन है तो अल्किन कहाँ पर बनाएगा, मोर सैचुरेटेड साइड पे, तो जो इमाइन कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, उसके बीच में आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को जोड़ देना है, बाकी ग्रुप को निकाल दो, बाकी ग्रुप को आपको निकाल देना है, ये लीजिए ये बन जाएगा जी आपका प्रोडक्ट, कितना आसान, बहुत आसान, यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज नहीं बढ़ रहा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं होगा, ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर बहुत अच्छे से आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। अब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, कौन सी कंडीशंस, कौन सी रिएक्शंस के होती है, कौन सी एल्कीन कब फॉर्म होती है, ठीक है, और कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं पी वाई की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितने आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कितने सारे पी वाई क्यू पूछे गए हैं, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2013 का आपका ये क्वेश्चन है, आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर टॉसिल हाइड्राजीन है, ठीक है, टॉसिल हाइड्राजीन है, जैसे ही कीटोन के साथ में रिएक्शन होती, यहाँ पर याद रखना, मैं आप लोगों को और बता दूं, यहाँ पर ये टॉसिल हाइड्राजोन बना देता है, जो हमारे दोस्त लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कीटोन की रिएक्शन जैसे ही हम कराएंगे यहाँ पर टॉसिल हाइड्राजीन के साथ, इसे क्या कहते हैं, टॉसिल हाइड्राजीन, ठीक है, तो यहाँ से वाटर लॉस होता है, यहाँ से वाटर लॉस होगा और ये बना लेगा टॉसिल हाइड्राजोन, ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं था पता चल गया, कोई बात नहीं। देखो अब हम ट्रिक को फॉलो करेंगे, अब हम ट्रिक को फॉलो करेंगे भैया, ठीक है, अब यहाँ पर देखो टू इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल लिथियम है, जैसे ही देखा आपने सर स्ट्रॉन्ग बेस है, सर समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, क्या फिर रिएक्शन होने वाली है, पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक क्या थी भाई, यहाँ पर टू इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम है, आपको क्या करना है, दो एसिडिक प्रोटॉन निकालने, इमाइन का जो कार्बन है ये वाला और उसका अल्फा कार्बन, अब यहाँ पर सेम है, किसी भी एक साइड आप अल्किन बना लीजिए, ये अल्फा कार्बन, इसे एक साइड आप बना लीजिए, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, और मैंने बताया था जो भी इमाइन फंक्शन ग्रुप है उसे निकाले, उस जगह पर क्या करना है आपको निगेटिव चार्ज बनाना है। अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है मैंने बताया, तो वाटर हो सकता है, CO2 DMF, DMF मतलब डायमिथिल फॉर्मामाइड, तो ये हमें क्या करता है, एल्डिहाइड बनाकर देता है, तो ये लीजिए ये बन जाएगा जी यहाँ पर CHO, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इसका आंसर फर्स्ट, ठीक है, कितना आसान, बहुत आसान, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखो ये गेट 2010 का आपका ये क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स इज, ठीक है,
आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया है, क्या गिवन है आपको, टॉसिल हाइड्राजोन सर गिवन है, कैसे पहचाना कीटोन की रिएक्शन जैसे टॉसिल हाइड्राजिन के साथ में करेंगे NH2NH3L तो टॉसिल हाइड्राजोन बन जाएगा, और बेसिक कंडीशन देखो सोडियम मेथॉक्साइड, मतलब यहाँ पर टू इक्विवेलेंट मेंशन नहीं है, और बेस कैसा है वीक बेस, CLDA ब्यूटिल लिथियम के कंपैरिजन में वीक बेस, तो यहाँ पर जब जो रिएक्शन होंगी सर ये हो जाएगी बामफोर्ड C1, ये हो जाएगी बामफोर्ड C1। अब इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो भी इमाइन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है ये वाला, इसका अल्फा कार्बन आपको देखना है। अब अल्फा कार्बन दो है, अब अल्फा कार्बन दो है, लेकिन आप किसके साथ में जाएंगे बामफोर्ड C1 में, सर हम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनाते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मतलब ये वाला, ठीक है, तो अल्फा कार्बन और इमाइन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना है, ये लीजिए। तो ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पर है, करेक्ट ऑप्शन हो जाए, हमने कोई मैकेनिज्म नहीं किया, लेकिन कितने आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सारे पॉइंट भी हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे आपने यन ब्यूटिल लिथियम टू इक्विवेलेंट देखा सर, शापिरो रिएक्शन, सर शापिरो रिएक्शन हम कर लेंगे, क्या करने है आपको, ये रहा आपका इमाइन फंक्शनल ग्रुप, ये रहा इमाइन कार्बन, बराबर ये इमाइन कार्बन, इसका अल्फा कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से आपको क्या करना है देखना है, ये रहा अल्फा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, क्योंकि शापिरो है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड एल्कीन बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो एक ही है, अब यहाँ पर क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा जी, ये देखिए ये अल्फा कार्बन था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिए, और मैंने बताया इमाइन फंक्शनल ग्रुप को निकालना है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बनाना है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या की बने यहाँ पर CHO DMF डायमिथिल फॉर्मामाइड, ये लीजिए ये बन जाएगा CH, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर फर्स्ट, आसान, चलो और देखते हैं, ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सॉल्व करना आप लोग और बताना, पहले आप लोग ट्राई करना, देख लिया ठीक है, स्टॉप करना पॉज करना, उसके बाद में आंसर को सॉल्व कर, चलो बना लिया सब लोगों ने, चलो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है सर, कीटो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एसिड है, कीटों से एसिड कैसे बना सकते हैं, और यहाँ पर अल्किन है, अल्किन है सर, इसका मतलब यहाँ पर बामफोर्ड स्टीवंस हुई होगी या फिर शापिरो हुई होगी, बराबर दोनों में से एक ही हुआ होगा, चलो देख लेते हैं आप क्या आप इसे बना सकते हो इलाइट से, बिल्कुल नहीं बना सकते, इलाइट से अल्किन बन सकता है, एसिड वगैरह ये सारी चीजें नहीं बन सकते, उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपकी दूसरी रिएक्शन हो सकती है, तो ऑक्सीडेशन वगैरह इससे भी हम नहीं बना सकते, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी है, सर शापिरो रिएक्शन है, कैसे पहचाना टू इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटिल लिथियम, ठीक है, अब इसका अल्फा कार्बन ये रहा, सबसे पहले ये क्या बनाएगा टॉसिल हाइड्राजोन, जैसे ही इसकी रिएक्शन होंगी सर कीटो फंक्शनल ग्रुप के साथ में ये कुछ ऐसे बना लेगा सर टॉसिल हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा इमाइन फंक्शनल ग्रुप, इमाइन कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनने वाला है, इमाइन को निकाल दो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बना दो, ये लीजिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देखना है, इलेक्ट्रोफाइल DMF है या फिर CO2 है, तो भाई यहाँ पर आपको एसिड बना रखा है, इसका मतलब CO2 है, अगर DMF लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता, इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है सर ये CO2 से बना है, क्लियर सभी लोगों को, क्लियर, चलो तो ये रहा आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क, ठीक है, सब हमारे दोस्त लोग ट्राई करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन गिवन है, बामफोर्ड C1 या फिर शापिरो रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल में हो सकता है आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल एक ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ब्रोमीन है, ये CH2, ये CH2 और ये ब्रोमीन, जो भी निगेटिव चार्ज लास्ट में बनता है शापिरो में ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ब्रोमीन बाहर चले जाएंगे, तो सिर्फ ब्रोमीन लगेगा, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को शापिरो रिएक्शन और बामफोर्ड C1 रिएक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, उसके बाद में हमने ट्रिक्स देख लिया और PYQ भी सॉल्व कर दिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन।